7 अक्टूबर 2023 को हमास ने तड़के सुबह एकाएक इसराइल पर इतना बड़ा हमला किया था जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। समुद्र, जमीन और आसमान से हमास के आतंकी एकाएक इजरायली शहरों पर टूट पड़े थे और आतंकियों ने घर घर जाकर बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को किसी को नहीं बख्शा। हमास के आतंकियों ने इजरायलियों को चुन चुन कर बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा था। इसके कई वीडियोस भी सामने आ चुके हैं, लेकिन अब इजरायल गाजा में ही हमास के आतंकियों की कब्र खोद रहा है और इस सब के बीच तमाम मिडिल ईस्ट के देश मांग कर रहे हैं कि इजरायल गाजा में अपने हमलों को रोक दे और इसी को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक महापंचायत बुलाई गई थी और इस चर्चा में इजरायल के राजदूत ने भरी सभा में हमास के उस आतंकी की फोन रिकॉर्डिंग लाउडस्पीकर पर माइक में लगाकर सुना दी जो अपने पिता को कॉल करके कहता है कि कैसे उसने अपने हाथों से 10 यहूदियों का कत्ल कर दिया। इजरायल का कहना है कि ये वीडियो 7 अक्टूबर हमास के हमले का है। तो चलिए आपको उस आतंकी महमूद की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। अल्लाहु अकबर। हेलो डैड, डैड मैं महफल सिम के अंदर हूँ, अभी अपना व्हाट्सएप खोलिए और देखिए मैंने अपने हाथों से कितने लोगों को मार डाला। आपके बेटे ने यहूदियों को मार डाला। अल्लाहु अकबर, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। ये महफल सिम के अंदर का नजारा है, मैं एक यहूदी के फोन से आपको कॉल कर रहा हूँ। मैंने उसे और उसके पिता को मार दिया है, मैंने अपने हाथों से 10 यहूदियों को मार दिया है। अल्लाहु अकबर। अपना फोन खोलो और देखो मैंने कितने लोगों को मार डाला। अपना फोन खोलिए, मैं आपको व्हाट्सएप पर कॉल कर रहा हूँ। मैंने 10 को मार डाला, 10 अपने हाथों से, 10 उनका खून मेरे हाथों पर है। मुझे अम्मी से बात करने दो। मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मैंने अकेले ही 10 को मार डाला। अल्लाह तुम्हें हिफाजत से घर पहुँचा दे। अब्बू वापस व्हाट्सएप पर जाओ, मैं आपको वीडियो कॉल करना चाहता हूँ। काश मैं तुम्हारे साथ होती। अम्मी आपका बेटा हीरो है, मैं पहला था जो सबसे पहले यहाँ आया। अल्लाह की मदद से अब्बू अपना सिर उठाइए। और इसी दौरान हमास का ये आतंकी अपने साथियों से बातचीत करते हुए सुनाई दे रहा है, मारो 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 मारो। महमूद गाजा में वापस आ जाओ, बस बहुत हुआ, अब वापस लौट जाओ। वापसी? कोई वापसी नहीं होगी, या तो जीत होगी या शहादत होगी। मेरी माँ ने मुझे इस्लाम के लिए जन्म दिया है, मैं कैसे लौटाऊं? अपना व्हाट्सएप देखो कि मैंने कितनों को मार दिया है। आपको बता दें कि इजरायल के विदेश मंत्रालय ने ट्विटर पर भी रिकॉर्डिंग को पोस्ट किया है। इजरायल के मुताबिक हमास के आतंकी ने यहूदी महिलाओं के फोन से अपने पिता को फोन किया था और फोन करने के कुछ ही देर बाद आतंकी ने यहूदी महिला और उसके पति को मार डाला था। वहीं दूसरी तरफ गाजा पर इजरायल के हमलों में अभी तक 5,700 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और वहीं दूसरी तरफ इजरायल में भी हमास के अटैक में अभी तक 1,400 से ज्यादा नागरिकों की जान चली गई है।